दोस्तों कल हमने वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा था, ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, सभी को ये बात पता है। आज हम एक मैंने आपको बताया था कि मैं थ्योरी आपको लिखवाऊंगा, उससे आपको ऑलरेडी तुरंत खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो ही जाएगा। तो कल मैंने आपको अधिकांश थ्योरी तो पढ़ा दी थी, जीवा वृत्त स्पर्श रेखा कितनी होती है, तो बताइए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो खालिस्तान का जवाब दीजिए, एक वृत्त पर खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखा। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ये थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों की ना सुनने की। अब एक आखिरी थियोरेटिकल पोर्शन, उसके बाद अपन अपनी प्रश्नावली करेंगे। बेटा ध्यान दें, बेटा थोड़ा हम सब देखते हैं कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। देखिए बेटा, अगर आपको वृत्त पर एक बिंदु दिया जाए, कहां दिया जाए, तो भाई इस बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक तो ये खींच जाएगी, और इसके बाद आप इसको थोड़ा ही टेढ़ा करोगे तो ये क्या बन जाएगी, छेदक रेखा। क्या बन जाएगी? मतलब अगर बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, एक। लेकिन अगर बिंदु वृत्त के कहां है, बाहर, तो इस बिंदु से ये भी स्पर्श रेखा चली जाएगी और ये भी चली जाएगी। समझ आया बच्चों? तो अगर बिंदु वृत्त पर है तो उससे स्पर्श रेखा जाएगी एक, लेकिन वृत्त के बाहर है दो। समझ आया? बेटा मैं नोट्स इस तरीके से बनवाऊंगा आपको कि आपको बाद में याद करने में क्या ना हो परेशान, पर आप में अधिकांश लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं किसको पढ़ाऊं क्या करूं। अब अगर अपन बात करें कि बिंदु वृत्त के कहां है, अंदर। अब आप इससे रेखा खींचिए, क्या ये स्पर्श रेखा है? क्यों, एक बिंदु प्रतिच्छेद तो कर रही है, एक ही भी तो कर रही है। सर रेखा अनंत होती है, रेखा क्या होती है, आपको इसको आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो, और बताइए कि एक आप खींच सकते हैं, बताइए खींच सकते हैं, बताइए स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, इस बिंदु से ऊपर जाने वाली स्पर्श खींच जाएगी, तो छेदक रेखा नहीं स्पर्श रेखा। तो यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती जो उससे होकर जाए, यदि बिंदु वृत्त पर है तो उससे एक स्पर्श, वृत्त के बाहर है तो दो। अब शॉर्ट में सुनिए, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर जीरो। ठीक है, पूरा आपको खालिस्तान बनना है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से होकर जाने। नहीं आया समझ में? एक बार फिर से बोलेंगे, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर दो। तो एक चित्र से अपने सारे काम हो गए। आप इससे कोई भी स्पर्श रेखा खींचोगे वो क्या बन जाएगी, छेदक रेखा। आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई। ये हमारा आखिरी वीडियो का क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बताओ वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा आएगी? समझ रहे हैं? तो बोलते हैं अनंत खींच सकते हैं, वृत्त पर खींच सकते हैं अनंत, अलग अलग बिंदुओं पर। तो ये ऑब्जेक्टिव कितने पांच प्रकार से हो गया, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से होकर जाने वाली, तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत, और वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक। समझ गए ना, गारंटेड। हाँ अगर आप छेदक रेखा की बात करें तो छेदक रेखाएं आप किसी बिंदु से, ये छेदक रेखा है, ये छेदक रेखा है, ये छेदक, ये जितनी चाहे खींच लो, बी है, ये भी छेदक, ये भी छेदक, ये भी छेदक, बाहर वाली एक दो तीन चार पाँच, छेदक रेखा आप कहीं से भी कितनी भी खींच सकते हैं। नहीं आया समझ में? अब चूंकि हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्टिव हमें बनेगा, लेकिन अभी हम बुक के कर रहे हैं। 10.1 का पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती हैं? सभी को ये बात पता है। अब मैं इसके बाद आपसे चाहूंगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं से कितने बिंदु पर छेद, तो यहां भर देंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब वृत्त को दो बिंदु पर छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? पक्का? यस सर। छेदक रेखा। ये सब अपन पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके? यही तो पढ़ने का कमाल है।
एक वृत्त पर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? स्पर्श रेखाएं अनंत, लेकिन क्या बोला? समान। याद आया? कितनी? दो। सही जवाब। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं? चित्र बनवाया था कल, तो अपन ने पढ़ाई ऐसी कराई कि अपन पे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? क्लियर हो गया? लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर चार। बहुत ही सरल ओवर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वृत्त खींचिए, खींच देंगे, ठीक है? अब उन्होंने बोला तो है नहीं, तो अपन यहाँ चार खींच सकते हैं। ओके, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक क्या हो और दूसरी क्या हो। सबसे पहले दी गई रेखा अपन को मन से बनानी है, तो अपन कैसी बनाते हैं? मैं बना रहा हूं ऐसी, सुनिएगा ध्यान से। इसको अपन लिखेंगे दी गई रेखा। क्या लिखेंगे? दी गई रेखा। अब ये क्या हो गया? स्पर्श बिंदु, और ये हो गई आपकी, है समांतर के नहीं है? स्केल से खींचोगे तो आ जाएगी स्पर्श रेखा। ओके, और ये नहीं आया समझ में? आया। क्या बोला था उन्होंने अपन से कि एक दी गई रेखा के समांतर एक खींचनी स्पर्श रेखा और एक खींचनी। सबको समझ में आया? क्या सबका आंसर ऐसे ही होगा? क्यों? अगर दी गई रेखा आप यहां बनाओगे तो यहां आएगी स्पर्श रेखा और यहां आएगी। समझ में आया? बना लीजिए। ये पूरा चैप्टर केवल एक प्रमेय पर डिपेंड करता है, इसमें ज्यादा प्रमेय नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन। और वो प्रमेय ये है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे क्या होती है? लंब। पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए, बहुत 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 प्रॉब्लम होती है इसमें, इतनी कि आप सोच नहीं सकते। अधिकांश बच्चे जो है वो सोचते हैं अरे हो तो हो गया, देखा जाएगा, कुछ नहीं है ना, ये सब नहीं। देखिए इसको शॉर्ट में समझाते हुए, देखिए ये आपका वृत्त है, ये त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई? त्रिज्या। और ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। तो किसी भी बिंदु पे अगर आप क्या खींचें, तो उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती? लंब। या उल्टा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है? लंब। 90। ये अपन को क्या करना है? सिद्ध करना। आपको करना क्या है? एक वृत्त बनाना मन से और स्पर्श रेखा खींचना और उस पर क्या बनाना? त्रिज्या। और फिर चांदी से नापना, वो 90 आएगा। चाहे तुम यहां बनाओ चाहे तुम यहां बनाओ, जहां बनाओगे वो 90 ही आएगा। इसलिए कह लो त्रिज्या को अभिलंब भी कहते हैं, जो हमेशा स्पर्श रेखा क्या होते हैं? अभिलंब। ये ऑब्जेक्टिव आता है, स्पर्श रेखा पर अभिलंब होता है। कौन होता है अभिलंब? त्रिज्या। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब। लेकिन अंशुल सारी त्रिज्या नहीं होती, वो त्रिज्या जो कहां से होकर जा रही है? स्पर्श बिंदु से। कहां से होकर जा रही है? बहुत कम बच्चे हैं सुनने वाले, पर मैं तो बहुत अच्छे समझाऊंगा। आपकी बुक में जो दिया अगर आप पढ़ेंगे को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब बेटा आपको एक ध्यान से देखना है, छोटा सा काम है। सोचो यहां पे एक स्विमिंग पूल है। बेटा बहुत कम लोग हैं जो मेरी बात को समझना चाहते, वरना मैं भी लिखवा दूं, बुक से लिखवा नहीं। तो प्रमेय आप 9th में ही पढ़े, मुझे पता है कैसे क्या बनते हैं आप पे। मैंने आपको थीस में बताया था, एक प्रमेय बहुत अच्छे समझाया है। और यहाँ पर आप खड़े हैं, सपोज आप ओ हैं, और आपको बस दौड़ के जाना है स्विमिंग पूल में कूदना है, ठीक है? तो मैं आपको 3 रास्ते दे रहा हूँ, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्यों चुनेंगे? आप ये चुन लीजिए ओ एस। आपको इस तरफ बढ़ा सकते, और इस तरफ बढ़ा दे दिया, तो क्यों ओपी? क्योंकि अगर इसको नापें तो दूरी ओपी सबसे क्या होगी? कम होगी। ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी सबसे कम क्या है? ओपी। ऐसा एग्जांपल देना पड़ता है, समझे? पढ़ाना आसान काम नहीं होता। आप लोग हमेशा क्या मन चले रहे, आप लोग बातें रहते, पता नहीं आप किससे पढ़े, किसे भी पढ़ोगे फर्क नहीं पड़ता आपको। चलिए, तो ओपी सबसे कम है, तो एक्चुअल में सबसे कम दूरी मतलब लंबवत दूरी। सबसे कम दूरी मतलब दूरी। क्या ये कंधर सब लोग समझे? yes, सबसे कम दूरी मतलब दूरी। एकदम क्लियर। ये प्रमेय इतना कठिन है क्योंकि इसमें थ्योरी थ्योरी बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन मैं आपको जरूर समझाऊंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे उपपत्ति में, माना कोई वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, इसके एक स्पर्श बिंदु है पी, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है एक्स वाई,
कोई दिक्कत, हमें सिद्ध करना है कि ओपी लंब है किस पे, समझ गए? अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे समझो, हम बिंदु पी के निकट कुछ बिंदु लेंगे, जैसे कि पी वन, पी टू, पी थ्री, इस तरफ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जो ओपी वन है, कौन है वो, वृत्त को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करता है, कहां करता है? तो अब अगर आप में दम है तो आप मुझे ये बताइए कि O Q बड़ा है कि OP1? O Q बड़ा है कि OP1? क्यों, इतना एक्स्ट्रा है ना इसमें, तो OQ छोटा है किससे? OP1 से। लेकिन हम OQ की जगह लिख सकते हैं OP, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या तो कहीं भी ना आपको एक सी होती, नहीं आया समझो? हमने OQ की जगह क्या लिख लिया? OP, क्योंकि OQ बराबर OP बराबर वृत्त की त्रिज्या, किसी को भी नहीं आया समझो? चलो एक बार और करते हैं, सुनोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। अब अपन ने OP1 OP2 को मिलाया, तो OP2 वृत्त को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है, किस पर से करता है? अब अगर आप में दम है तो आप बताइए OR बड़ा है कि OP2 बड़ा है? इतना एक्स्ट्रा हो गया ना यार, तो OR छोटा है OP, लेकिन OR की जगह हम लिख सकते हैं OP, लिख सकते हैं क्योंकि वो वृत्त की, तो OP छोटा है OP2 से, नहीं आया समझ? तीसरा देखिए, OP3 वृत्त को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं आ रही बात समझ? तो बताइए कि OS बड़ा है कि OP3? OP3 बड़ा है, समझ में आया? लेकिन OS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वो वृत्त की त्रिज्या है। अब आप ध्यान से देखो, OP छोटा है OP1 से, OP छोटा है OP2 से, OP छोटा है OP3, तो सबसे छोटा कौन है? तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे कम दूरी होती है वो कौन सी दूरी होती है? लंबवत। क्योंकि इन सभी दूरियों में सबसे कम दूरी OP है, अतः सिद्ध होता है कि OP लंबवत दूरी है, हेंस नहीं आया समझ? अच्छा समझ में आया, ताली बजाओ ना। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं अपन, अपन थ्योरी लिख चुके हैं, एक बार ऋषभ को ध्यान देना पड़ेगा कि माना एक्स वाई केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु, सिद्ध करना है ओपी लंब है एक्स वाई, रचना हमने करी है कि पी के निकट पी वन पी टू पी थ्री ऐसे कई बिंदु लिए हैं, ले लिए अपन ने। अब अपन उत्पत्ति स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे सुनिएगा। OP1, OP वृत्त को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करना, हमने अब देखो एक बन गया दूसरा भी बनना चाहिए, बना बात है बस कर लोगे। OP1 वृत्त को बिंदु प्रतिच्छेद करती है, तब OQ और OP1 में OQ क्या रहेगा? छोटा, देख रहे आपको, क्योंकि इतना बड़ा है ना OP1, नहीं आया समझ? OQ छोटा है किससे? लेकिन हम OQ की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वो दोनों वृत्त की त्रिज्या है, समझ आया बेटा? यस सर। OP छोटा है OP1, समझ में आया? यस सर। अब अगर अगला पॉइंट आप बता पाए तो कोई फायदा है। OP2 वृत्त को बिंदु, तब OR छोटा है OP2 से, और OR की जगह हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हैं त्रिज्याएं, समझ गए? तो OR की जगह हमने लिखा OP छोटा है OP2 से, समझ आया? अब मुझ पे नहीं बन रहा है। OP3 वृत्त को बिंदु, तब OS छोटा है OP3 से, पर OS की जगह हम लिख सकते हैं OP, क्योंकि ये हैं,
ठीक है, ओपी छोटा है। अब देखो ओपी ओपी वन से भी छोटा है, ओपी ओपी टू से भी छोटा है, और ओपी ओपी समीकरण एक व दो सॉरी एक दो व तीन से स्पष्ट है। अब मेरी बात सुन लो, क्या स्पष्ट है कि बिंदु स्पर्श रेखा के सभी बिंदुओं में, स्पर्श रेखा के सभी बिंदुओं में बिंदु P केंद्र O से न्यूनतम दूरी पर है। सुनना है समीकरण एक दो तीन से स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा के इतने सारे बिंदु बनाए, स्पर्श स्पर्श रेखा के सभी बिंदुओं में से बिंदु P केंद्र O से न्यूनतम दूरी पर है। और अभी मैंने समझाया कि सबसे कम दूरी कौन सी होती है, अतः सिद्ध होता है कि OP लंब है। समीकरण एक दो तीन चार से स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा XY पर स्थित सभी बिंदुओं में से कौन सा बिंदु, बिंदु P केंद्र O से न्यूनतम दूरी पर स्थित है। और न्यूनतम दूरी मतलब कौन सी दूरी, अतः सिद्ध होता है कि OP लंब है XY पर, hence proof। नहीं आया समझ, बताओ वो स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल देना था कि नहीं देना, उसके बिना अपन समझ नहीं पाते कि न्यूनतम दूरी क्या होती है। लंब दूरी OP OP1 से भी छोटा है, OP2 से भी छोटा है, OP3 माना सबसे छोटा है, और सबसे कम दूरी मतलब लंबवत दूरी।